अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट नादिया जीशान। आज हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया बासित। फौजिया बासित अ सर्टिफाइड इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, अ डिप्लोमेटिक वुमेन्स कमेटी कुवैत, बोर्ड मेंबर मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस, अ कुवैती वॉलंटियर ग्रुप मेंबर एंड ओवरसीज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क। मैडम फौजिया, आपका बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे आज के इस प्रोग्राम में आने का। अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू वेलकम। सो मच। अच्छा फौजिया, हम अब आगाज करते हैं अपने आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। आप इतना एक्सपर्ट हैं इवेंट मैनेजमेंट में, आप बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक भी हैं। So, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बेसिकली पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करती हैं और कुवैत कब मुंतकिल हुई आप? जी नादिया, मैं लाहौर से हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान लाहौर से है और 96 में मैं कुवैत आई थी। एक लंबा सफ़र है जो आई थिंक, मुझे लगता है अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो लगता है कि जस्ट अभी थोड़ा सा टाइम गुजरा है, लेकिन और ये एक बहुत प्यारा सफ़र है और मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। कुवैत जब मैं आई थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि लाहौर से फैमिली लाइफ आप जब छोड़कर आते हो फैमिली सेटअप से तो आप लोनली फील करते हो, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले जो साथ भी रहे वक्त के साथ साथ। कुछ लोग यहाँ से चले गए लेकिन वो दिलों में है अभी भी, और फिर नए दोस्त आए, ये कारवां चलता रहता है और इसमें बहुत से लोग आते हैं जाते हैं और अभी भी दोस्त हैं। कुछ लोग सबक बनकर आए और कुछ लोगों ने अभी तक साथ दिया। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ लोग जिंदगी में दोस्त बनकर आते हैं और कुछ आपको सबक देके जाते हैं। बहुत खूब। अच्छा फौजिया, आप बीइंग अ बोर्ड मेंबर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब एज ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नादिया। एक्चुअली अगर आप कोई टारगेट लेकर आते हैं, आपके माइंड में कोई विजन होता है, आप टारगेटेड होते हैं, तो आई थिंक आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आई थी मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि अपनी फैमिली लाइफ को टाइम देने के बाद जब मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है और उसको मुझे पॉजिटिवली यूज करना है, तो ही मैं फोरम पर गई थी और मैंने ज्वाइन किया था। और मेरे प्लान्स थे, मेरा एक विजन था कि हमें क्या करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी लेडीज के लिए। तो जब आप टारगेटेड होते हैं तो आपको फिर मसला नहीं होता है। ये तो वैसे है कि मतलब अगर आप लाइफ में कोई टारगेट लेके चलें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो आपको खुद भी क्लियर हो जाता है, वरना आपकी जिंदगी तो ऐसे भी गुजर जाती है बिना किसी मकसद के। और जिंदगी को किसी बिल्कुल मकसद के साथ चलाना ये बहुत कम लोगों के अंदर खूबी होती है। एक और बात है कि खून का अतिया खदमत खल्क की बहुत बड़ी खिदमत है, खल्के खुदा की। सो आप ब्लड डोनेशन बैंक के साथ भी काम कर चुकी हैं अगर मैं गलत नहीं कह रही तो ये आपके अंदर जज्बा कैसे बेदार हुआ? खून खून देना एज एक औरत, से औरत से उम्मीद रखना कि वो खून देगी, ये बहुत बड़ा जज्बा होता है। सो आपके अंदर कैसे बेदार हुए जज्बा? नादिया, एक्चुअली मैं यहाँ पर करेक्ट करूंगी, मैंने उनके साथ काम नहीं, हाँ मैंने उन वो लोग हमेशा इनवाइट करते हैं और मैं ब्लड डोनेट करने के लिए जाती हूँ जब भी, और मेरा हमेशा मकसद यही होता है ह्यूमैनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा ह्यूमैनिटी मेरा मिशन है और इसी पर मैं काम करती हूँ, और जितने काम भी मैंने किए हैं वो ह्यूमैनिटी है सबसे पहले। तो जब भी ब्लड डोनेशन की तरफ से कोई इन्विटेशन आता है, जब वो इन्वाइट करते हैं, तो मैं जस्ट वहां पर फोटोशूट के लिए नहीं जाती, मैं वाकई ही वहां पर ब्लड डोनेट करने के लिए जाती हूँ। और मेरा मकसद ये होता है कि अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मेरे लिए इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं हो सकता। ये तो बहुत खूब आपने कहा कि मतलब इंसानी खिदमत जो है वो तो सबसे बड़ा जो है सवाब का काम है, और सबसे खून का अतिया देना, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं लेकिन आप एक औरत होते हुए खून का अतिया देना, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं इस बात पे। एक और आपके बारे में मालूम हुआ मैं कि आप यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ओवरसीज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को आपका ज्वाइन करने का क्या मतलब मकसद था, क्यों आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया? अच्छा नादिया, एक्चुअली मेरे मेरी जो पहचान है वो मेरा काम है। फौजिया बासित कुछ नहीं है, मेरा काम है जो मेरी पहचान है। तो जब आप काम करते जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, तो फिर आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती। कुछ
ब खुद लोग इस कारवां में शामिल होते जाते हैं, आपको कनेक्ट करते जाते हैं। तो मेरे लिए अल्लाह ताला ने वो आसानियां पैदा की और ऐसे लोगों को मेरे साथ कनेक्ट किया कि जहाँ जो जो मेरा विजन था, मेरा मिशन था, वो वाले दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। तो मुझे यूथ ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज का मकसद ये था ज्वाइन करने का, उन लोगों ने जब मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि जो बाहर रहने वाले हमारे बहन भाई हैं वहां पर बच्चों को, स्पेशली अमेरिका में, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में बच्चे, उनके साथ उर्दू नहीं बोली जाती, तो उर्दू पे हम लोगों ने काम किया है। हम उन बच्चों को बुलाते हैं वहां पर, उन वहां पर इवेंट्स होते हैं, उर्दू की क्लासेस होती हैं, उनको मुहावरे सिखाए जाते हैं, अपनी लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, ताकि एटलीस्ट उनको अपनी रूट्स का पता हो। जब तक आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आई थिंक आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। चाहे हम जितना भी तरक्की कर लें, जो भी कौम अपनी रूट्स को छोड़ देती है वो कहीं की भी नहीं रहती। तो आई थिंक अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। तो हम उर्दू पर वहां पर काम करते हैं, और इसी के ऊपर ओवरसीज ग्रुप का मकसद ही है कि उसमें डिफरेंट कंट्रीज से लोग हैं और हम लोग उसमें प्लान करते हैं कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए है स्पेशली, या वो लेडीज जो वहां रही हैं, उनकी अपब्रिंगिंग वहां हुई है, उनको मौका नहीं मिला पाकिस्तान आने का, तो उनको पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बताया जाता है, लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी पाकिस्तान से रिलेटेड है एफर्ट्स। सो आई थिंक आप आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हो कि बेसिक मकसद आपका ये होता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो जबान है, आप चाहती हैं कि उसको पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जाए पाकिस्तान को। ये बहुत अच्छी काविश है आपकी। आप मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस मकसद के लिए भी काम करती हैं, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। बहुत खूब। एक और नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको एक और बताना चाहूंगी, हमारी मेहमान जो है फौजी अब्बास, उनकी काबिलियत के बारे में, कि शी इज ऑल्सो अ ड्रेस डिजाइनर एंड इंटीरियर डेकोरेशन मास्टर एक्सपर्ट। सो इतना सब करने के साथ साथ खून का अतिया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके बोर्ड मेंबर्स में रहना, और ये तो इतना सब कुछ, और इसका आपको कहाँ से जो है वो आपको लगा कि आपके अंदर ये काबिलियत है और इसको आप लेकर आई सामने दुनिया के? इसके ऊपर कुछ बताएं हमें आप अपने बारे में। नादिया, ये सारी चीजें आई थिंक आपके घर से होती हैं, आपकी तरबियत का हिस्सा होती हैं। तो हम, ये मेरे घर की तरबियत थी, मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोगों, उन लोगों ने हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी की थी कि सब चीजें हमें सिखाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, तो आई थिंक शायद मैं इसीलिए बचपन से ही इन चीजों में इन्वॉल्व रही, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज को देखना, इवेंट्स करना। अपनी शादी भी मैंने, मेरी इतने 96 में मेरी शादी हुई थी, वो भी थीम मैरिज थी, उसको भी पूरा मैंने उसको अरेंज किया था। कजन्स की फैमिली में शादियां हो रही हैं, उसको हम अरेंज करते थे, इवेंट्स होते थे, वो ऑर्गेनाइज कर रही होती थी। तो ये आपको पता है, ये इनबॉर्न टैलेंट होता है, जो आपको पता होता है कि कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में भी नजर आ जाते हैं। तो वो बिल्कुल बिल्कुल काम तब से ही मैं कर रही थी, और घर वालों की फिर सबसे बड़ी सपोर्ट, जब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है, मेरे बच्चे, ये लोग सब मुझे हेल्प करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मुझे कभी भी कोई मसला हुआ है इसको, बल्कि मैंने ग्रूम ही मैं हुई हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें बहुत हेल्प किया, मेरे बच्चों ने, और मैं आप लोगों के सामने हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने फाजिया। वाकई ये बात सही है कि पैशन तो होता है हमारे अंदर, हम लेडीज के अंदर, लेकिन अगर हमारा जो मतलब लाइफ पार्टनर है वो हमें एक्नॉलेज ना करे हमारी पैशन को, हमारे उसको हवा ना दे, सपोर्ट ना करे, तो हम वाकई लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक हाफ क्रेडिट तो डेफिनेटली हमें अपने हस्बैंड्स को देना चाहिए जो हमें सपोर्ट बिल्कुल करते हैं हर हर फील्ड में। जी, बहुत अच्छी बिल्कुल बात आपने कही है फौजिया। जैसे आपने कहा घर को खूबसूरत बनाना, आजकल खवातीन को भी शौक है, आई थिंक आज से नहीं अजल से है और अब तक रहेगा, कि खवातीन अपने आप को भी सजने संवरने का शौक रखती हैं। तो घर के सजना संवरना और औरतों का सजना संवरना, इसमें कुछ सिमिलैरिटी है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से है, क्योंकि अगर औरत सजी संवरी है तो आप ये कह सकते हैं कि उसका घर भी उतना ही सजा संवरा होगा। अगर नहीं तो ये औरत की, ये अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये चीज पैदा की है कि वो जब अपने अपने ऊपर वो इतनी तवज्जो दे सकती है, इतना खूबसूरत बना सकती है, रख सकती है, तो ऑफकोर्स वो अपने घर को भी रखेगी। और ये हर औरत की ख्वाहिश होती है, मेरा ख्याल है कि हर औरत अपने घर को खूबसूरत देखना चाहती है, उसके साथ साथ अपने आप को भी खूबसूरत देखना चाहती है। बिल्कुल, ये तो सही बात है, हर औरत की ख्वाहिश यही होती है कि वो खूबसूरत नजर आए, सबसे मुनफरिद नजर आए। अच्छा फौजिया, आपसे एक और सवाल पूछूंगी मैं यहाँ पे।
कि बीइंग अ वुमेन, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और मतलब इस फील्ड के अंदर आपको कभी परेशानी हुई, कोई डिफिकल्टीज फेस की? और जो हमारी नई आने वाली जनरेशन है जो इस फील्ड में जाना चाहती है मीडिया एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनको अगर आप कोई गाइडेंस करें, थोड़ा सा उनको टिप्स दें कि कैसे वो इस फील्ड के अंदर अपना मुकाम बना सकते हैं। नादिया, मैं एक्चुअली ये काम मैंने यहाँ पर कुवैत में शादी के बाद शुरू किया, और मैं फिर कहूँगी अगर आप टारगेटेड हैं, आपका मकसद है लाइफ में काम करना, पैशन है, तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए रास्ते आसान होते चले जाते हैं। मुश्किलात हर चीज़ में आती हैं, लेकिन जब आप डिटर्मिन होते हैं कि आपने काम करना है तो वो काम आपसे हो जाता है, और लोग आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मैं ब्लेस थी, मेरे साथ मेरे वालदैन की और सबकी दुआएं हैं जो मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुंची। और नई बच्चियों को मैं ये कहूंगी कि प्लीज अपने टारगेट्स, अपने गोल सेट करें। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। स्टार्ट तो आपको अपना गोल सेट करना चाहिए, और उसके ऊपर आपको जो आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, तो आप जब उसके ऊपर काम करते हैं आपके लिए आसानियां भी होती हैं, लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आ जाती है, फैमिली की सपोर्ट भी आ जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई मसला होगा, आप अपने गोल सेट करें। बिल्कुल। और अल्लाह वो भी कहते हैं ना कि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सो अपनी बिल्कुल मदद आप करें, अपने जिंदगी में गोल सेट करें ताकि हम जो मुकाम चाहते हैं अपनी जिंदगी में हासिल करना वहां तक पहुंच सकें। फौजिया बासित, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे आखिरी ख्वाहिश है कि आप जाते जाते हमें कोई पैगाम देना चाहें, हमारी खवातीन को, स्पेशली हमारी जो नाजरीन है हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए अगर कोई आप पैगाम देना चाहें, कोई खूबसूरत सा। मैं उन सबके लिए सिर्फ एक पैगाम दूंगी, जो कि मैं समझती हूँ कि ह्यूमैनिटी, अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल करें और ह्यूमैनिटी पे फोकस करें कि हम ह्यूमन हैं और हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। मुझे इस बात पे नासिर काजमी का एक शेर याद आता है, ऐसा मकतब भी कोई शहर में खोले नासिर, ऐसा मकतब भी कोई शहर में खोले नासिर, आदमी को जहां इंसान बनाया जाए। क्या खूब कहा, क्या खूब कहा। वाकई कोई ऐसा तो मकतब तो खुले जहाँ पे इंसान को इंसानियत सिखाई जाए। ये तो बहुत खूब कहा। वाकई हमारे आजकल इस नफ्सा नफ्सी के दौर में हम इंसानियत भूल चुके हैं, सिर्फ खुद गर्जी और एक मीननेस जो है हम सबके अंदर आ गई है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। और इसके साथ आमीन। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फौजिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे साथ ज्वाइन किया। और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव देखने का। न्यूज अलर्ट फेसबुक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अस ऑन यूट्यूब, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर लवली इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच, नादिया अल्लाह हाफिज। नादिया नादिया मैं थैंक यू जी करना जी चाहूंगी अली जी जी काजमी साहब श्योर, का प्लीज प्लीज, स्टूडियो से, बिल्कुल अली काजमी साहब का स्टूडियो से, और खालिद नूर साहब का जो कुवैत के चीफ ब्यूरो है, ब्यूरो चीफ है उनका, कि उन्होंने मुझे मौका दिया और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और नादिया आपकी तारीफ करूंगी, माशाल्लाह आप एक फौजी बहुत जी। थैंक प्यारा एडिशन है और बहुत प्यारा काम यू, कर रही हैं। थैंक यू सो मच फौजी, आपके काइंड वर्ड्स का आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। एंड नाजरीन, देखते रहिए हमारे साथ न्यूज अलर्ट फेसबुक लाइव, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।